फ्रेंड्स, वेलकम टू सब लोग। फ्रेंड्स, ये राखी के दिन की सुबह का वीडियो है और एडिटिंग में थोड़ा देर होगी फ्रेंड्स, नहीं तो ये वीडियो मतलब थोड़ा लेट हो गया मेरा। और इस बार बहुत अजीब लगा फ्रेंड्स राखी में, क्योंकि पहली बार मेरी बेटी नहीं थी और इसकी बुआ भी नहीं आई थी आने को। तो लेकिन वो लोग तो कभी कभी ऐसे मिस हो जाता है उनका, क्योंकि कभी कुछ असज्ज हो जाता है घर में से, शुद्धि अशुद्धि हो जाती है तो नहीं भी आ पाते। लेकिन जो बेटी थी मेरी हमेशा ही रहती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, कभी भी कुछ भी हो जाए तो मतलब दोनों भाई बहन हमेशा ही साथ रहती थी राखी में। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी मौसी की लड़की लाई आई थी, इनकी वजह से बहुत अच्छा लगा हमें और शुभ हुआ हम लोगों का जो ये राखी का त्यौहार था। नहीं तो फिर वैसे सुनसानी में ही बीतता है राखी का त्यौहार। साथ में ये खाना भी बन रहा था फ्रेंड्स, जो आपको सीटी की आवाज आ रही है, पूरी वगैरह तो इन्होंने बोला मैं बना लूंगी, क्योंकि गर्म गर्म ही खाएंगे मतलब इनकी बुआ की लड़की ने, मौसी की लड़की ने सॉरी। लेकिन दाल चावल सब्जी और खीर वगैरह जो भी थे, मतलब पकौड़ी वगैरह, मैं बहुत सी चीज़ें बना के गई थी और उसके बाद फिर मैं अपने मायके गई थी। इधर को देखो भी थोड़ा दोनों चेहरा मामा जी भी आ गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि इस साल नहीं जा पाती हूँ कहा मेरी सास ने, और उसके बाद तबीयत खराब हो रही है करके, उसके बाद ये बांध रही हैं अपने भाई को राखी। आ गए थे ये भी क्योंकि राखी का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर बहन नहीं जा पाए भाई के पास तो फिर भाई ने जाना पड़ता है। तो ऐसे करके राखी का त्यौहार मनाया था सुबह हमने, फिर उसके बाद मैं मायके चली गई थी। तुमले बस हाँ दगाड़ है, एक बार राखी पा देंगे बना के, फिर मैं वो कर लूँगा। गैस बंद कर दी, आप हो गया वही साथ। अब तुम रोड बन चाहे कि जिले बन चाहे, हाँ अब भात छात बनाई आई जा ना तंग के लिए पसंद हो। इस दिन पंडित जी भी आते हैं हमारे घर, रक्षा धागा वगैरह बांटते हैं, मतलब सभी जगह आते हैं। उसके बाद जनेऊ भी चेंज करते हैं फ्रेंड्स इस दिन, तो जनेऊ भी लाते हैं ये लोग और रक्षा धागा भी बांट के जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चली गई अपने मायके पहुंच गई हूं और ये देखिए घर हमारा, मेरे मायके का घर। मम्मी भी अंदर ही है, भैया भी है इस आजकल, मतलब भैया मेरा हर साल मिल ही जाता है 2-3 सालों से राखी के दिन। बड़ा वाला भैया तो बहुत साल हो गए हैं, उसको भेज दी थी मैंने राखी और पहुंच भी गई थी। और मेरी बेटी से भी सुबह वीडियो कॉलिंग में बात हुई थी, उसने भी मतलब वीडियो कॉलिंग करते हुए अपने भाई को राखी बांधी थी, भतीजे वगैरह के साथ ही बात की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये भैया को मैं टीका लगा रही हूँ, इसके बाद फिर मैंने इसको राखी बांध दी थी, इसके बाद ऐसे करके मनाई थी फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी राखी। हेमा तो मायके गई थी फ्रेंड्स, सुबह गई थी और उसके बाद आ गई थी शाम को, तो शाम को उसके साथ ही मुलाकात हो गई थी। मैं दूसरे दिन आई थी सुबह, बिल्ली को क्या बांधना है उसी।
फिर वहाँ पर को बिल्ली भी थी जो मम्मी लूँगी, उनको भी मैंने ऐसे साथ बांध दी थी भैंस राखी। मैंने कहा ऐसे सभी को बात रहे तो उसको ही बात देते हैं, अच्छा लगा मुझे। घर के सदस्य हुई वो भी देखा जाए तो। उसके बाद हमारे वहाँ सभी को ही बांधते हैं, मम्मी को भी बांधी मैंने, मम्मी ने भी मुझे बांधी। मतलब सिर्फ भाई बहन, वैसे तो मेन ये भाई बहन का ही पर्व मानते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, यानी पहाड़ में। और उसके बाद फिर माँ बेटे को भी बांधते बांधती है, बेटी को भी बांधती है, बुआएँ भी बांधती हैं, और सास बहू भी एक दूसरे को बांधते हैं। मतलब नंदों को भी भाभियाँ बांधती हैं, आपसी प्रेम और सद्भावना का और आपसी सौहार्द का मतलब ये पर्व माना जाता है। अब देखे यहाँ सारी राखी वगैरह बांध दी थी तो ये बजेट ही पहुंच गए थे, मेरे भैया ने छोड़ दिया था मुझे स्कूटी में। ये बड़े वाले चाचा हैं, इनको राखी बांध, ये बड़े वाले चाचे का बेटा है मतलब जग्गू। फिर ऊपर चली गई थी मैं छोटे वाली चाची लोगों के उधर, वहीं आ गया था ये भी, वहीं इसको भी राखी बांधी मैंने। और छोटी वाली चाची के बच्चे बेटा और बेटी दोनों, ये देखिए ये छोटी चाची का बेटा है मेरे, और ये छोटी चाची की बेटी है, मतलब ये छोटे वाले चाचा के बच्चे भी है दोनों, इनको भी बांधी फिर मैंने राखी। और ये अपनी बेटी लाई है, ये है इसकी बेटी जो मेरी बहन है, ये हेमा, इसका नाम भी हेमा है। और उसके बाद ये इनकी भवें सब मायके गई थी मतलब बच्चों को लेके। एक ही छोटा जो ये सुनील है, ये मेरी छोटी वाली चाचा का बेटा, तो उसका जो बच्चा है छोटा वाला, बहुत ही छोटा है, तो वो छोटे बच्चे को नहीं ले गई थी आज, मतलब उसके बाद आज आने वाली थी, शाम को आ गई थी उसकी बीवी। देखिए ये मैं सुनील को बांध रही हूँ राखी, खाना भी थोड़ा खीर और पकौड़ी वगैरह मम्मी के वहाँ खाई मैंने, मतलब क्योंकि फिर मैंने ज़्यादा पूरी वगैरह बना तो रखी थी, नहीं खाई मैंने, कहा राखी बांध के खाऊंगी। उसके बाद इन लोगों को राखी बांधने के बाद बड़ी चाची के वहाँ भी खाया, फिर छोटी चाची ने भी ज़बरदस्ती खिला दिया, मतलब खाने भी सेल पूरी खीर पकौड़ी वगैरह सभी थी फ्रेंड्स। और दिखाने का आपको मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। ये जो मोबाइल कुछ वीडियोस हैं मैंने फिर अपने भैया के मोबाइल से बनाए, फिर उसने सेंड किए मुझे। ये उसके बाद बच्चों को बांधी मैंने, ये तो इसकी लड़की है माँ की, और एक ये यहीं पर ये एक ये भी यहीं पर अड़ोस पड़ोस की बच्ची है, ये कभी आ जाती है बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो फिर इसको भी बांध दी मैंने राखी। ऐसे करके फिर चाची लोगों को भी और ये छोटे बच्चों को भी, मतलब जो भाई भाई लोगों के बच्चे हैं, उन सभी को मैंने राखियाँ बांध दी थी। ये वाली राखी है, इतनी लेना जैसा है, ये पापा का जैसा है।
इसकी भैया की ऐसी वाली नहीं है बाबू, अब तो बात तो दी और बात नहीं है, अभी ये बात देगी ये इसके बाएं हाथ में क्यों बात रहे हो, इसके बाएं में क्यों बात रहे हो, बाएं में बात है ये, हाथों में बांधो तो, दोनों हाथों में बांधो ना, बाकी मजा उछेड़ दे मेरे अंदर ना, इसके हाथ पकड़ते हैं मासी ये दादा कितने में पड़ता है, ओले बाबा दादा भी फर्स्ट में, तू भी फर्स्ट में, ये नर्सरी में दादा तो फोर्थ में होगा या थर्ड में होगा, अरे गुंडी अभी को मैंने राखी बांध दी थी वैसे, उसके बाद लास्ट में ये छोटे बड़े वाले चाचा का छोटा वाला बेटा है कब्बू, इसको बांध दी थी क्योंकि दुकान जा रहा था जिस समय हम आ रहे थे उस समय तक रुका था ये, उसके बाद फिर इसको भी राखी बांध दी थी मैंने, उसके बाद राखी वगैरह बांध के जो हमारे वहाँ तेली वगैरह पूछते हैं वो भी कर लिया था मैंने, मतलब जल्दी आ गई थी क्योंकि इस बार मैं 10:45 मम्मी लोगों के वहाँ, तो 11:45 इनके वहाँ पहुँच गई थी, तो फिर जल्दी आ गई थी मैं इधर को मतलब अपनी मम्मी लोगों के वहाँ, फिर उधर बैठी थी वहाँ देर। देखिए ये इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने मम्मी लोगों के घर, राखी वगैरह सब मनवा के इस दिन उधर ही रही थी, और फिर शाम के समय भी छत का व्यूज़ मैंने बहुत ही सुंदर नज़ारे बना रखे हैं फ्रेंड्स, देखिए आप ज़रूर, ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बना के मैंने डाल रखी थी अपने चैनल में, देखिए फ्रेंड्स शाम के समय का नज़ारा है ये, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है सच्चे, रात का भी दिखा रखा है मैंने दिवाली के टाइम पे जब पूरी बल्ब और मालाएं वगैरह जलती हैं। ये देखिए यहीं पर को अगल बगल में मैंने बताया था मेरी मम्मी लोगों के रिश्तेदार भी रहते हैं, मम्मी की बुआ की बेटी और बेटे दोनों का ही है इधर, उन्हीं की मतलब बहन ने भी बना रखा है, और मम्मी की बुआ भी बजेटी में ही की हुई वहीं मतलब उनकी शादी हुई, अभी दिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को उनका घर, ये है ये हरा वाला मकान जो दिख रहा है सुंदर सा, मेरी मम्मी की बुआ लोगों का, बुआ जी तो नहीं है, फूफा जी भी नहीं है, इनके बेटे बहू रहते हैं मतलब मामा मामी रहते हैं, ऐसे करके बीता फ्रेंड्स हमारी राखी का दिन, और फिर दूसरे दिन सुबह मैं आ गई थी अपने घर, मतलब सुबह तो क्या मतलब 11:30-12 बजे तक आ गई थी, भैया ने पहुँचा दिया था मुझे, ऐसे करके बीता था फ्रेंड्स हमारे राखी का दिन, और आपका दिन कैसे बीता जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। ओके फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नमस्कार।